तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है आपके एग्ज़ाम में उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। तो यूपी टेट में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वो 30 मार्क्स का आता है और अभी तक जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं प्राइमरी ले लो या जूनियर एग्ज़ाम ले लो उसमें मैथमेटिक्स जो प्राइमरी एग्ज़ाम होता है उसमें तो सभी के लिए कंपलसरी है और जूनियर के लिए जो साइंस ग्रुप लेते हैं तो उनको मैथ और साइंस का जो है पोर्शन सॉल्व करना होता है 60 मार्क्स का जो है जूनियर में इसका वेटेज है और प्राइमरी में 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं बारी बारी से। दूसरी बात क्या है कि यूपी टेट मैथमेटिक्स जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीबीएसई या यूपी बोर्ड इंग्लिश में पढ़ाई की है 10th 12th ग्रेजुएशन या बीएड में तो उनके लिए ये सेशन हेल्पफुल होने वाला है। हमारे जो जितने भी सेशन होंगे वो सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। बाकी कोशिश हमारी रहेगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जुड़ सकें कनेक्ट हो सकें। तो आप अगर कोई आप जिसको तैयारी करनी है यूपी टेट की मैथमेटिक्स की पूरा पोर्शन तो जुड़ सकता है हमारे चैनल से और आप वीडियो को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आज की डेट में जो कैंसिल हुआ है वो आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने में जब भी वो एग्ज़ाम कराया जाएगा कंडक्ट तो आपको ये मैथ का जो पोर्शन होगा ये आपको सॉल्व करना होगा 30 मार्क्स का। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर हमें ये चैप्टर लगता बड़ा आसान है कि बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। देखिए प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है जब हमें फुल स्कोर करना होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैथ 30 आउट ऑफ 30 हो जाए तो फिर हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी उसमें ऐसा नहीं होता है कि मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है उनका ठीक होता है लेवल लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब जहाँ पे बेसिक की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगर आपका अच्छा बेसिक है तो ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम बच्चों जो हमें पढ़ना है यहाँ पे हमारे यूपी टेट के सिलेबस में नंबर सिस्टम जो पढ़ना है वो सिर्फ रियल नंबर को पढ़ना है यानी जो रियल नंबर होते हैं हमें सिर्फ उन्हें पढ़ना है। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है हमको, नंबर सिस्टम में तो नंबर सिस्टम में बच्चों हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर क्या होता है। हालांकि नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो पहले रियल नंबर की बात कर लेते हैं। रियल नंबर की डिफिनीशन अगर हम समझें क्या होता है रियल नंबर, तो जितने भी नंबर नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं जितने भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उन्हें हम क्या कह देंगे, रियल नंबर कह देंगे। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं और वो सारी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वही हम उसको इंग्लिश में कहेंगे। तो रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर हमको कितने टाइप्स के पढ़ने हैं, तो रियल नंबर बेसिकली दो प्रकार के हमको पढ़ने हैं। कितने प्रकार के पढ़ने हैं बच्चों, दो प्रकार के पढ़ने हैं। सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो रेशनल पढ़ना है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पढ़ना है। और दूसरा बच्चों पढ़ना है हमको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर की अगर हम बात करें डिफिनीशन की, जैसे हमने रियल नंबर की डिफिनीशन पढ़ी कि जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर बच्चों क्या होते हैं, तो जो भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं और उनका क्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और जो एच सी एफ हो पी और क्यू का, एच सी एफ और पी और क्यू का जो होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर किसी भी नंबर को सेटिस्फाई करेंगे तो हम कह देंगे कि वो नंबर हमारा रेशनल नंबर है।
कई जगह पे कई बुक्स में दिया होता है कि कोई भी नंबर अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो नहीं है तो हम कह देते हैं कि वो रेशनल नंबर है, पर ऐसा नहीं होता है। एस सी एफ अगर जब तक पी अपॉन पी और क्यू का वन नहीं होगा तब तक वो रेशनल नंबर हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन फ्रैक्शन में भी अप्लाई हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें आपको, तो 2/3 हमारा क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम 4/6 लिखेंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अभी सिंपल इसको और कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2/3। तो ये भी आप समझ सकते हो कि जो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट पार्ट होता है वो भी रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर वो सिंपल अभी हो सकता है या सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है तो वो रेशनल नंबर हम नहीं कह सकते हैं, यानी कि आप 4/6 को रेशनल नहीं कह सकते हो, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कोई ऑप्शन बताइए जो रेशनल नंबर नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं तो आप पहचानना होगा। दूसरी बात, रेशनल नंबर अगर आपको पहचानना समझ में आ गया, उसके बाद रेशनल नंबर बहुत सारी बच्चों बातें हमको पढ़नी है, इतनी सारी चीज़ें हमको समझनी है रेशनल नंबर के बारे में, फिर हमें इरेशनल नंबर पढ़ना है। नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसमें आप जितनी चीज़ों को कनेक्ट करते जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, नहीं हाँ यार इसमें तो ये पढ़ना है हमको। तो रेशनल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये समझते हैं। रेशनल नंबर में वो सारे नंबर आ जाते हैं बच्चों जितने तुमने अभी तक पढ़े होंगे, जितने भी नंबर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सारे रेशनल नंबर में आ जाएंगे। इवन नंबर ले लीजिए, है ना, ऑड नंबर ले लीजिए, प्राइम नंबर ले लीजिए, कंपोजाइट नंबर ले लीजिए, है ना, को प्राइम नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, ये सारे क्या आ जाते हैं, मतलब जितने भी आपने नंबर अभी तक पढ़े रखे हैं क्लास फर्स्ट से लेकर के 10th तक जो भी नंबर आपने पढ़े वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, सारे रेशनल नंबर। अब उसका मतलब ये नहीं कि ये रेशनल नंबर का दो रेशनल होता, नहीं, नंबर का मतलब यही जो हमने एग्जाम्पल आपको दिए, जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजाइट हो गया, को प्राइम हो गया, इस तरह के जो नंबर होते हैं, होल नंबर हो गया, ना नेचुरल नंबर हो गया, ये सारे नंबर जो आते हैं ये रेशनल नंबर में आते हैं, ये सारे रेशनल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे नंबर जो हमारी कंडीशन है रेशनल नंबर की उसको सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, ई रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये थोड़े से अलग होते हैं रेशनल से। कैसे अलग होते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए, ई रेशनल नंबर की डिफिनीसन तो हमारी यही है कि जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब कोई नंबर पॉइंट के बाद में क्या कर जाए, मतलब पॉइंट के बाद एक फिक्स वैल्यू दे दे। जैसे सपोज अगर हम 1/2 को देखें तो 1/2 हमारा क्या है, 1/2 हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी कि इसकी एक फिक्स वैल्यू है 0.5, 1/2, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर हम 1/3 को देखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है जो आपको समझ में आएगा, तो 1/3 को करेंगे तो 0.33333 इस तरीके से ये हमारा कभी भी कंप्लीट इसका डिवीज़न नहीं होगा, यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं देगा ये, तो हम कह सकते हैं कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है 1/2। अब बात आती है, ये पहला पॉइंट समझ में आया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो क्लियर हो गया। अब रिपीटिंग की बात करते हैं, रिपीटिंग बच्चों रिकरिंग भी कहते हैं, कई जगह पर यह दिखा होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट ना करे। जैसे कि अगर 1/3 आप देखेंगे तो अगर 1/3 को हम चेक करें तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो मतलब है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 कई बार आ रहा है, देखिए बार बार 3 हमारा आ रहा है, कई बार आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि पॉइंट के बाद तुरंत वैल्यू रिपीट करेंगे तो हम कह देंगे कि ये वैल्यू रिपीटिंग है, अगर पॉइंट के बाद में 2-3 वैल्यू के बाद रिपीट करें तो नॉन रिपीटिंग कह देंगे। नहीं, पॉइंट के बाद कहीं भी कितने इंटरवल के बाद में, जरूरी नहीं है एक इंटरवल के बाद में हो सकती है, 2 के बाद में हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि 0.123 123 123 इस तरीके से रिपीट करती है, वैल्यू रिपीटिंग हो गई। तो रिपीटिंग का मतलब किस चीज़ से है कि पॉइंट के बाद में कितने भी डिजिट पे अगर कोई वैल्यू रिपीट करेगी तो हम कह देंगे वो रिपीटिंग नंबर हो जाएगा, या नॉन रिपीटिंग नंबर उसको हमें नहीं कह सकते हैं, वो रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, तो ऐसा नंबर अगर हम बताएं डेसिमल फॉर्म तो आप ये याद कर सकते हो, जैसे इस तरीके को 0.01001 0001, फिर इसी तरीके से 0000001,
तो ये नंबर हमारा क्या, आप देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना ही ये किसी पॉइंट पे, पॉइंट के बाद किसी वैल्यू पे ख़त्म हो रहा है और ना ही इसमें कोई वैल्यू रिपीट कर रही है। आप जितना भी आगे लिखेंगे तो ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में। तो समझ में आपको आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर एक डिफिनीशन हम और भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, प्राइम नंबर जानते होंगे आप जो क्या होते हैं, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनको हम प्राइम नंबर कह देते हैं। तो प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रिजल्ट आएगा। जैसे कुछ आपने वैल्यू याद कर रखी होंगी कि रूट टू जो होती है वो क्या होती है, 1.414 होता है। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं, ये हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं कि रूट टू की वैल्यू 1.414 है। एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती है, इसके आगे वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे रूट थ्री हो गया तो इसकी वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है, पर ये भी अप्रॉक्स है। रूट फाइव हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 2.236 होती है, इस तरीके से ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इस तरीके से इरेशनल नंबर जो होते हैं वो स्क्वायर रूट अगर किसी प्राइम नंबर निकाल देंगे तो वो भी इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। अब बात करें, अगर हमसे ये पूछा जाए कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसको आप ध्यान करके आप कहीं इसको नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी दो रियल नंबर के बीच में बात की जाए, कि अगर कोई भी दो रियल नंबर, सपोज ये हमारा पहला रियल नंबर है और ये हमारा दूसरा रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर अगर उसके बीच में अगर पूछे कितने रियल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। दूसरा, अगर कोई दो रियल नंबर में कितने रेशनल होंगे, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और कि रेशनल नंबर जो नोटेशन होता है उसको बच्चों क्यू कहते हैं। जो रेशनल नंबर का नोटेशन होता है वो क्यू होता है, क्यू से डिनोट करते हैं इसको। और बाकी आप रेशनल याद रखिए। और दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान कर लीजिए, दो रियल नंबर की बात हो गई। अगर आपसे यही बात ऐसे घुमा करके आपसे पूछ सकता है कि बताइए दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, रेशनल नंबर हमारा एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो बच्चों इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे तो भी आप इनफाइनाइट ही आंसर दोगे। और दूसरा, अगर दो रेशनल नंबर के बीच में पूछता है कितने रियल नंबर होंगे, तो बच्चों यहाँ पे भी आप लगाओगे आंसर इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। और इसके बाद क्या है, अगर दो इरेशनल नंबर बात की जाए, ये तो रेशनल था, अगर दो इरेशनल नंबर ले लेंगे हम, अगर उनके बीच की भी हम बात करेंगे तो भी उसके बीच में क्या होगा, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई आपसे कह देता है कि बताइए दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए, या दो रेशनल नंबर के बीच में एक से ज़्यादा रेशनल नंबर आपसे पूछ लेता है, तो इसमें बच्चों केवल दो फार्मूले आपको पढ़ने हैं। बड़े आसानी से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। बस ये आपको समझना है कि कब कैसी कंडीशन दी गई है। जैसे हम दो कंडीशन को पढ़ेंगे, एक तो जब आपसे पूछेगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आपको फाइंड करना हो, दो रेशनल नंबर के बीच में आपसे कह दे कि एक रेशनल नंबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि अगर हमसे कोई दो रेशनल नंबर दिए गए, सपोज़ एक रेशनल नंबर हमने ए ले लिया, एक रेशनल नंबर ए है, दूसरा बी है। अब हमसे कहा गया कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए क्या होगा। तो अगर हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, यानी कि हम कह सकते हैं Q1 निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ ए प्लस बी कर देंगे, अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ये हमारा एक रेशनल नंबर का फार्मूला होता है। कभी भी अगर कोई दो रेशनल नंबर दिए, इनका सम कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ से कह देगा कि मैनी रेशनल नंबर निकालिए, मैनी मैनी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि एन रेशनल नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमको उसके लिए डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। डी क्या होता है, उसका फार्मूला आपको याद रखना होगा कि बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये होता है डी। ये आपको याद कर लेना है, ये बच्चों बहुत काम आएगा जब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने एकेडमिक पढ़ा होगा तो उसमें आपको
जीपी में या एपी में, एपी मीन निकालना, एपी का मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीन निकालना, वहाँ पे इस डी का बड़ा यूज़ किया गया होगा। तो ये डी आपको यहाँ याद कर लेना है कि अगर कोई भी दो रिएक्शन नंबर दिए गए हैं उसके बीच में एक रिएक्शन नंबर निकालना है तो आपको सबसे पहले डी फाइंड करना होगा। इसके बाद में जब आप क्यू वन लिखोगे तो क्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी। यानी डी आपने फाइंड कर लिया, ए आपको गिवन होगा और डी आप यहाँ पुट कर दोगे। फिर क्यू टू निकालोगे तो क्या होगा, ए प्लस टू डी हो जाएगा। इस तरीके से क्यू थ्री निकालोगे तो क्या होगा, ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, एन रेशनल नंबर निकल आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, मान लो आपसे कह दे कि एक रेशनल नंबर वन दिया गया, एक टू दिया गया और इसके बीच में आपको थ्री रेशनल नंबर निकालने हैं, थ्री, तो आप क्या करो, पहले डी निकालोगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए यानी टू माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री प्लस वन, तो ये आ गया वन अपॉन फोर। अब वन अपॉन फोर का मतलब क्या हो गया, 0. हमारा 25 हो जाएगा। अगर इसको हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0. क्या होगा, 25 हो गया। तो अगर हम पहला रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी होता है, ए दिया वन और डी क्या है 0.25, तो आंसर क्या हो गया 1.25। अगर हम दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे क्यू टू, तो ये बच्चों क्या होता है, ए प्लस टू डी होता है, तो ए प्लस टू डी का मतलब क्या हो गया, 1 + 2 × 0.25, तो ये हो गया 0.5, तो ये रिजल्ट आ गया 1.5। और अगर हम क्यू थ्री निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस थ्री डी मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 0.25 × 3, तो 0.75, तो ये आंसर हो गया 1.75। तो इस तरीके से आपने तीन रेशनल नंबर वन और टू के बीच में निकाल लिए। तो ये बच्चों तरीका हो गया कि ई रेशन सॉरी रेशनल नंबर फाइंड करना दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई आपसे कह देता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक ई रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, कई तरीके से बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मतलब तरीका कैसे कैसे हो सकता है। एक तरीका तो यही हो गया कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर क्या होगा। फिर एक तरीका क्या हुआ, दो रेशनल नंबर के बीच में एक एक से ज़्यादा रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। फिर आपसे कह सकता है कि दो ई रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, है ना। और ये भी कह सकता है कि दो ई रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर बताइए क्या होंगे। तो कई तरीके से बच्चों क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें ज़रा सा भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हम ज़रा सा भी चेंज करेगा तो हम कन्फ्यूज़ जाएंगे। तो देखते हैं जरा सा क्या कैसे करेंगे। अगर हमसे कह दे कि एक कोई हमारा इरेशनल नंबर दिया गया है, सपोज़ दे देता है कि √2, √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है, √2 और कह दे √3। अब आपसे बोले कि बताइए इनके बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए, यानी कि Q1 निकालना मात्र। तो हमको बच्चों पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 होती है अप्रॉक्स, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है। तो अगर हम एक रेशनल नंबर निकालेंगे तो ये वैल्यू जो होती है हमारी, ये अप्रॉक्स में दी गई है, यानी कि अगर हम √2 की अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। अब इनके बीच में हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो हमको पता है कि वो रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होता है तो वो कैसा होता है, मतलब रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू जीरो नहीं होता है, और एचसीएफ क्या होता है, पी क्यू का वन होता है। तो 1.414 और 1.732 के अगर बीच का एक नंबर देखें तो हम 1.5 लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये 1.414 और 1.732 के हमारे बीच में ही होगा ना, 1.414 से ये कम होगा और ना ये 1.732 से बाहर होगा। अब अगर इसको हम डेसिमल हटा करके फ्रैक्शन में लेके आएँ तो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, तो 15/10 हो गया। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं तो 5 से ये कैंसिल होगा 2 times, 5 से ये कैंसिल होगा, तो बच्चों 2/3 हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक रेशनल नंबर का। और इसका मतलब ये नहीं बच्चों है कि यहाँ पे दो रेस जो ई रेशनल नंबर दिए गए हैं इसके बीच में सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आएगा, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर यहाँ बच्चों आ सकते हैं। अब ये आप कहेंगे कैसे, तो आप अगर इस चीज़ को समझें, यहाँ से अगर आपने √2 की वैल्यू 1.414 ली है और √3 की वैल्यू 1.732 ली है, तो आप ये समझ गए होंगे इसको हम ए लेट कर सकते हैं और इसको बी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं, कैसे, बी माइनस ए अपॉन क्या होगा, एन प्लस वन से, और अगर डी निकल आएगा तो यहाँ से हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्यू वन निकालेंगे तो ए प्लस डी, क्यू टू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए प्लस टू डी। इस तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बात हो गई रेशनल नंबर की और ई रेशनल नंबर की। ये आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर में हमको क्या क्या स्टेटमेंट याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि रेशनल नंबर की डिफिनीसन
दूसरा रेशनल नंबर के बीच में, अगर एक रेशनल नंबर निकालना है दो रेशनल नंबर के बीच में तो कैसे निकालेंगे, प्लस दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, कितने रियल नंबर होते हैं, कितने ई रेशनल नंबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर दो ई रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल होते हैं, कितने ई रेशनल, कितने रियल होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इवन नंबर की। अगर रेशनल नंबर और ई रेशनल नंबर समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों इवन नंबर क्या होते हैं कि जिनके लास्ट में जो यूनिट प्लेस होता है किसी भी नंबर का, उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6, 8 आ जाए तो हम कह देते हैं कि वो इवन नंबर है। दूसरा ये भी डिफिनीशन है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली तो हम कह देंगे इवन नंबर है, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए कुछ भी। तो इवन नंबर, होल नंबर जो काउंटिंग होती है उसमें इवन नंबर को अगर निकाल दिया जाए तो ऑड नंबर बच जाते हैं, और ऑड नंबर को निकाल दिया है तो इवन नंबर बच जाएंगे। अब हमको समझना क्या है कि जो काउंटिंग है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि काउंटिंग में सबसे पहले क्या है, उसके बाद में क्या है, नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो हमें समझना होगा। तो बच्चों जो हमारा रेशनल नंबर है इसमें हमने सारे नंबर बोल दिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर इंटीजर आ गया, फिर क्या हो गया, प्राइम, इवन, सारी चीज़ें। लेकिन अगर देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आएंगे, यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होते हैं। ये आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं। फिर अगर हम 0 को उसमें हम क्या करें, यूज़ कर लें, 0 को ले लें, तो 0 के साथ जो नंबर मिल जाएंगे हमको वो सारे होल नंबर बन जाएंगे। यानी कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, पर नेचुरल नंबर से ज़्यादा नंबर किसमें है, होल नंबर में। जबकि दो इन नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट हैं और होल नंबर भी इनफाइनाइट हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर और कलेक्शन ऑफ आपको दिया गया है होल नंबर, तो इसमें से ज़्यादा नंबर किसमें होंगे, तो आप कहोगे होल नंबर में। तो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है उससे ज़्यादा नंबर का जो कलेक्शन होता है वो होल नंबर का होता है, और होल नंबर के बाद में जो कलेक्शन होता है बच्चों तो वो आ जाता है हमारा इंटीजर का। किसका आ जाता है, इंटीजर का। यानी इंटीजर का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, होल नंबर से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं 0 से इनफाइनाइट, और इंटीजर क्या होते हैं, 0 से प्लस भी होते हैं इनफाइनाइट तक और 0 से माइनस भी होते हैं इनफाइनाइट तक। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि नेचुरल नंबर को लेकर के होल नंबर बने हैं और होल नंबर को लेकर के इंटीजर बने हुए हैं। और इंटीजर को लेकर के हम आगे तक जा सकते हैं, इंटीजर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इंटीजर के बाद फिर हम डेसिमल पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हमको बात करनी है सारे नंबरों की, तो हम सबसे पहले बात नेचुरल नंबर की बात कर ली, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से इनफिनाइट। होल नंबर की बात कर ली तो होल नंबर 0 से इनफिनाइट। इंटीजर क्या होते हैं कि माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट। अब इसमें भी बच्चों आपसे बहुत इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको कोई भी एक इंटीजर दे देगा, सपोज़ आपको दे दिया माइनस टू और कह देगा बताइए माइनस थ्री, इसमें ग्रेटर कौन है। तो बच्चों निगेटिव में अच्छा ग्रेटर होता कौन है, तो जो राइट हैंड साइड होता है वही नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो अगर इनको नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो माइनस टू हमारा कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, और माइनस थ्री हमारा कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर है वो तो हमारा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो निगेटिव नंबर होता है माइनस का टू जो है वो माइनस थ्री से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। हमें ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अरे वो थ्री दिया गया और टू दिया गया तो हमारा थ्री बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव जो नंबर होते हैं उसमें थ्री बड़ा माना जाता है, पर निगेटिव नंबर में थ्री क्या होगा, माइनस टू से छोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इंटीजर में। दूसरा इंटीजर का आपको ऐड करना माइनस करना भी आपको आता होगा। ये सारी प्रॉपर्टी मांगे डिस्कस करेंगे जब प्रॉपर्टी जो हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज हैं सारी, कम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि आपको जितनी जल्दी हो सके यूपी टेट की जो पूरी मैथमेटिक्स है वो आपको हम पूरी कवर करा दें। अगर आप जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कुछ ही टॉपिक हैं। अच्छा तैयारी करने में समय लगता कब है, जब आप चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, यानी जब आप कोशिश करते हैं कि हमको किसी भी तरीके से फुल मतलब गेन करना है, फुल मार्क्स हमको मतलब गेन करने, फिर आपको चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कोप्राइम नंबर, ये क्या होते हैं। तो बच्चों ये सारे नंबर जो होते हैं ये होल नंबर में आते हैं। होल नंबर हमने बताया आपको कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होते हैं, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इस बीच में सारे नंबर आ जाते हैं इवन नंबर।
तो इवन नंबर क्या होंगे, जो टू के टेबल में आएंगे या टू से डिवाइड होंगे, जिनके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। फिर ऑड नंबर क्या है, इनको हटा देंगे तो ऑड नंबर हो जाएंगे। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ऐसे भी कह सकते हो जिनके लास्ट 1, 3, 5, 7, 9 आता है, तो वो हो जाते हैं ऑड नंबर। फिर इसमें बात करनी होती है बच्चों कि इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इवन नंबर किस फॉर्म से मिलते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि जैसे 2n हो गया ये इवन नंबर का फॉर्म है, 2n+2 हो गया ये इवन नंबर का फॉर्म है, 2n+4 हो गया ये इवन नंबर का फॉर्म है, या 4n हो जाएगा 4n+2 हो जाएगा और 4n+4 हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर जगह पे इवन नंबर ही होना चाहिए, तो इवन नंबर देगा। ऑड नंबर का फॉर्म बच्चों क्या होता है कि 2n+1 होगा, यानी कि यहाँ पे तो इवन होगा पर यहाँ पे ऑड होगा ऑलवेज। an+b का फॉर्म आप याद रखिए, an+b के फॉर्म से आपको सारे नंबर के फॉर्म मिल जाएंगे, इवन के भी ऑड के भी। तो an+b में क्या हो, अगर a और b दोनों इवन हो जाएं तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा, और an+b में अगर a इवन रहे और b हमारा क्या हो, ऑड हो जाए, तो हम कह देंगे क्या हो जाएगा, हमको ऑड नंबर का फॉर्म मिलेगा। बड़ा आसान रहता है, जैसे एग्जांपल अगर 4n+1 दिया गया है तो ये ऑड नंबर का फॉर्म है। अगर कोई आपसे पूछे कि 4n+1 किसका फॉर्म है, तो आप कह दोगे ऑड नंबर का फॉर्म है। बच्चों कंपटीशन में चीज़ें अलग हो जाती हैं थोड़ी एकेडमिक से, एकेडमिक में हमें अलग तरीके से पढ़ना होता है और कंपटीशन में हमें अलग तरीके से पढ़ना होता है। वहाँ पे समय की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, आपको क्वेश्चन देख करके जितनी जल्दी आप आंसर उसका ढूंढ लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है। 150 मिनट में बच्चों 150 क्वेश्चन करने होते हैं यूपी टेट में, प्राइमरी में, और जूनियर में भी 150 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के होते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के या लैंग्वेज वन के, 30 होते हैं लैंग्वेज सेकेंड के, और 30 होते हैं उसके CDP के, चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो आपको समय भी देखना होता है क्वेश्चन करने में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इवन नंबर का जो फॉर्म होगा उसमें an+b के फॉर्म में a और b दोनों इवन होंगे, और ऑड नंबर का जो फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, हमारा a इवन होगा और जो b होगा वो ऑड होगा। कुछ भी आप लिख लो, कोई भी नंबर ऐसा बनाइए आप, इवन नंबर और ऑड नंबर ले लीजिए। सपोज जैसे आपने ले लिया 6n+ क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब आपसे पूछे बताइए कैसा नंबर देगा, तो ये हमेशा ऑड नंबर देगा, ये आप याद रखेंगे। प्राइम नंबर बच्चों क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वे होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 2 हो गया। और प्राइम नंबर में एक डिफिनीशन आपसे बहुत पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। मतलब 2 की इतनी सारी मतलब क्वालिटी हैं, इतनी सारी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है 2 के लिए कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। 2 एक ऐसा मतलब प्राइम नंबर है जो इवन है, और 2 सबसे छोटा भी प्राइम नंबर है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। अच्छा 1 एक ऐसा नंबर है जो काउंटिंग में होल नंबर में जो आता है, जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजाइट है। अच्छा ये बात आप ध्यान आपको रखनी है कि अगर हम किसी भी होल नंबर की काउंटिंग से अगर हम क्या करें, सारे प्राइम निकाल देंगे, तो जो नंबर मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, कंपोजाइट। अच्छा होल नंबर काउंटिंग में 0 नहीं लेते हैं, 0 नहीं लेंगे, होल नंबर नहीं कहते, नेचुरल नंबर कहेंगे। जो नेचुरल नंबर की काउंटिंग है यानी 1 to infinite, उसमें 1 को हम ना प्राइम कहेंगे ना कंपोजाइट कहेंगे। 1 के अलावा जितने नंबर होंगे उनको हम 2 में तोड़ेंगे, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजाइट नंबर। यानी पूरी नेचुरल नंबर की जो काउंटिंग होती है वो 3 में ब्रेक हो जाती है। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स, वो क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं 3 में, एक तो 1 और दूसरा क्या होगा हमारे कैसे जाएंगे, सॉरी नेचुरल नंबर हमको बताना चाहिए यहाँ पे, यहाँ प्राइम नंबर नहीं नेचुरल नंबर होगा। यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर जो होंगे वो आपके क्या होंगे, 1 में ब्रेक होंगे, प्राइम नंबर में ब्रेक हो जाएंगे, और किस में ब्रेक हो जाएंगे, कंपोजाइट में ब्रेक हो जाएंगे, कंपोजाइट नंबर में बस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो 2 से स्टार्टिंग होगी, 2 सबसे स्मॉलेस्ट होता है और इवन भी होता है। अगर कंपोजाइट की बात की जाए तो 4 से स्टार्टिंग होगी, 4 हमारा पहला कंपोजाइट नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। और अच्छा कंपोजाइट में इवन ऑड सारे मिलते रहते हैं आगे, पर प्राइम में सिर्फ 2 ही इवन होता है, बाकी सारे ऑड नंबर होते हैं। और प्राइम की बात यह भी है कि जो फैक्टर किए जाते हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर ही होते हैं, यानी फैक्टर जब हम करते हैं तो 2 से करेंगे या 3 से करेंगे या 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे, कभी 4 से, 9 से, 10 से फैक्टर कभी नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर क्या है, कोई भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर ले लीजिए जिनके बीच का अगर SCF 1 आएगा तो हम कह देंगे कि को प्राइम नंबर है। एग्जांपल जैसे कि हमने 2 ले लिया और 5 ले लिया, है ना, 3 ले लिया, 4 ले लिया,
फाइव ले लिया और क्या ले लिया, नाइन ले लिया, तो ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर हो जाएंगे हमारे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो रियल नंबर में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिली। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, पहला सेशन है, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें नंबर सिस्टम में बाकी भी हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट सेशन में ऐड करेंगे। पहले इसको आप शेयर करिए और लोगों को कनेक्ट कीजिए इस चैनल से। मेरा जो पूरा जो टारगेट है वो एकेडमिक के साथ में कंपटीशन में यूपी टेट की जितनी भी मैथमेटिक्स है, प्राइमरी और जूनियर दोनों को हमें अच्छे से समय पे कंप्लीट कराना है। तो जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, कोई इसका पैसा नहीं है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या हमें मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर बच्चों 8565878685 है, आपको हम स्क्रीन में लिख देते हैं 8565878685। जल्द ही आपको टेलीग्राम पे भी चैनल मिल जाएगा, शिवम क्लास CBR के नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए सेशन, और अच्छे से तैयारी करिए। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा स्कोर करोगे। और थैंक यू वेरी मच।